हेलो एवरीवन, जैसे कि मैं अपने लास्ट वीडियो पे आपने देखा होगा, अपना शेयर किया था अपना ओला कार जर्नी कि मैंने लास्ट 3 ईयर्स में कैसे कार मैनेज किया, ड्राइवर मैनेज किया, कैसे हम लोग 24-25,000 प्लस बुकिंग्स किए हैं, क्या क्या सीखने को मिला, क्या क्या रिस्क फैक्टर सब कुछ इन्वॉल्व है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप अभी ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाके लिंक चेक कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं। और जैसे कि आपको वीडियो के एंड में मैंने बताया था कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, जो ओला का सीरीज है, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि A to Z ऑफ ओला एंड ऊबर, कहाँ से बिजनेस स्टार्ट करना है, कौन कौन सा वेरियस एक्सपेक्ट आपको देखना है, समझना पड़ेगा, आपको बिजनेस में जाने से पहले क्या क्या चीज़ सोचना पड़ेगा, और ड्राइवर के बारे में हो गया, गाड़ी मैनेजमेंट के बारे में हो गया, ओला में कैसे अटैच करना है, कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में पूरा सीरीज रहेगा। तो आपको सीरीज के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के बारे में बताता हूँ मैं अभी। तो जैसे मैंने आपको बताया, सीरीज को मैंने 8 डिफरेंट पार्ट्स में कन्वर्ट कर रखा है, और ये आपको 8 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस बताएंगे। जैसे पहला हो गया इन्वेस्टमेंट, आपको क्यों करना है, आपका दिमाग में क्या चीज़ है, क्या वो प्रॉफिट चाहिए या फिर जस्ट बिजनेस ट्राई आउट करना है या साइड बिजनेस है। फिर दूसरा, जैसे अगर सिटी फिजिबिलिटी, कौन सा सिटी आपको करना है, वहाँ पर डिमांड है या नहीं है, एग्जिस्टिंग इंसेंटिव मॉडल क्या है, वहाँ का ड्राइवर का फीडबैक वगैरह ये सब। देन कार, किस टाइप की कार आपको लेनी है, ए सी डान हो सकती है, हैचबैक हो गया, SUV हो गया, पेट्रोल में चाहिए, डीजल में चाहिए, आपका प्राइस रेंज और क्या क्या सर्विसिंग कॉस्ट हो गया, मेंटेनेंस और रफली कितना होता है, ये सब कुछ इसका एग्जैक्ट अमाउंट आपको बताऊंगा मैं। और फिर चौथा, ड्राइवर डिटेल्स। ड्राइवर आपका एक अनऑफिशियल बिजनेस पार्टनर होता है, तो कैसे उसको मैनेज करना, कहाँ से हायर करना, उसका प्राइसिंग मॉडल कैसा रखोगे आप, उसे कितना पेमेंट दोगे, एडवांस वगैरह, लीव्स वगैरह, एग्रीमेंट कैसे बनेगा, ये सब के बारे में आपको बताऊंगा मैं चौथा वीडियो में। अब पांचवा आता है रिस्क फैक्टर, जिसको नॉर्मली कोई कंसिडर करता नहीं, लेकिन मेरे केस में मैं कंसिडर इसलिए करता हूँ क्योंकि कार का एक्सीडेंट हो गया या ब्रेक डाउन हो गया, या फिर कभी होता है कोई ऐसा कस्टमर मिल जाए जो बात नहीं मानता, पेमेंट नहीं करता, ज़बरदस्ती या कंप्लेन कर देता है, तो ये सब कुछ कैसे टैकल अप करना है। और चौथा बहुत ज़रूरी पार्ट आता है, मनी मैनेजमेंट। सब बिजनेस से पैसा आता है, पैसा जाता है, लेकिन खर्चा कहाँ होता है, कितना खर्चा करना चाहिए, लिमिट्स क्या होने चाहिए, ये सब कुछ आपको डिटेल बताऊंगा। और सेवेंथ, फ्लीट मैनेजमेंट, इसमें मैं दोनों कार और ड्राइवर को ला रहा हूँ, इसमें अगर ज़्यादा ड्राइवर, आपके एक से ज़्यादा ड्राइवर, एक से ज़्यादा कार है, तो कैसे मैनेज करना है उसको। और आखिरी, प्रोसेस फ्लो, उसका मतलब ये होता है कि आपको पहले क्या चीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद क्या चीज़ आएगा, या अटैचमेंट का प्रोसेस क्या है, आपको कहाँ से क्या चीज़ करना है, डॉक्यूमेंट्स हो गया, अपडेट करना हो, इंश्योरेंस हो गया, ये सब ओवरऑल फ्लो बताऊंगा आपको मैं। लाइक पैसा मेरे कैसे मैनेज करना है, जो कस्टमर से पैसा आएगा, ड्राइवर रखेगा, आप रखोगे, गाड़ी किधर पार्क होगा, ये सारी छोटी छोटी बातें मैं याद 8वें वीडियो में कवर अप करूँगा। तो ये था 8 पार्ट जो आपने बताया, और आपको बता दूँ ये 8 पार्ट ज़रूरी है ओला उबर बिजनेस को चलाने के लिए, आप कोई पार्ट को स्किप नहीं कर सकते हैं, ये 8 पार्ट प्रॉपर सिंक और प्रॉपर हिसाब से होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा और आप अपने कार को फ्री कर सकते हैं। क्यों फ्री करना छोटी बात नहीं है, लेकिन अगर आप सही से फॉलो करेंगे 8 स्टेप्स, तो आपको मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप अच्छा ड्राइवर है और सही से फॉलो करेंगे तो आपका कार आप फ्री कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था, मैंने बता दिया कि 8 डिफरेंट पार्ट्स कैसे रहेंगे, क्या क्या रहने वाले हैं। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो इन्वेस्टमेंट के ऊपर डालने वाला हूँ, जिसमें आपको सब डिटेल्स बताऊँगा। तब तक आप वेट कीजिए वीडियो के लिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अगर और कुछ जानना है या पूछना है जो मैं मिस कर रहा हूँ, इसमें अपने कमेंट सेक्शन में डालिए। थैंक यू।